हेलो फ्रेंड्स, आज हम वैक्सीनेशन के लिए जा रहे हैं और देखते हैं क्या रहता है। तबीयत खराब होती है, नहीं होती है, और सभी को वैक्सीनेशन कराना चाहिए। दोस्तों, ये हमारे घर के बाहर का लुक है और वैक्सीनेशन के लिए हम चार लोग जाने वाले हैं। मैं, अभिषेक, विधान और विधि, और मेरे हस्बैंड साथ में जाएंगे, जो कि ये अभिषेक है। हस्बैंड साथ में खड़े हैं, विधान गाड़ी बाहर निकाल रहा है। गली थोड़ी कंजेस्टेड है हमारी, तो गाड़ी निकालना डालना बहुत बड़ा टास्क हो जाता है। ये हम निकल पड़े हैं अपने घर से बाहर, और थोड़ा सा डिस्टेंस में है जो ये सेंटर है, वो थोड़ा डिस्टेंस पे है हमारे घर से। बीकानेर प्रशासन ने कोविड को रोकने के लिए बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं, तो जगह जगह पे बैरियर भी हैं, और इसीलिए रूट बदल कर के जाना पड़ रहा है। और ये सारा हमारी सभी की सेफ्टी के लिए है, तो इसमें कोई नाराज़गी वाली बात है नहीं कि डिस्टेंस बढ़ रही है या नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बल्कि हम सब इस चीज़ में सहयोग करना चाहिए, हमें, प्रशासन का, पुलिस का, सरकार का। लीजिए, हम सेंटर पे पहुंच गए हैं फाइनली, और ये मेरे पतिदेव निकले हैं कार से बाहर, क्योंकि गाड़ी को पार्क करने के लिए थोड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। हॉस्पिटल के अंदर काफ़ी साफ़ सुथरी व्यवस्था थी और डिस्टेंसिंग का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा था। और ये पोस्ट कोविड वार्ड है, इंजेक्शन के बाद यहाँ बैठने के लिए कहा गया है सभी को। ये हम नायका की सेल डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे टाइम पास के लिए। अरे काय को सेल फोटो नहीं है बेटा, वीडियो बन चुकी है यार, हमारे वैक्सीन बन चुकी है यार। चलो दो बाहर तो दिखा, कहाँ लगी है? कहाँ लग चुकी है विधि, तेरी कहाँ लगी है? दिख ही नहीं रहा इसका, तो स्पॉट ही नहीं है मेरे वाला, शायद विजिबल हो, पता ही नहीं। विधान दिखा दे रहा, कहाँ लगी वैक्सीन? इसके बहुत सारे निशान हैं, मल्टीपल, इतनी जल्दी लग जाएगी पता नहीं था। वैक्सीन लग चुकी है, अब कोरोना हो जाता है हमको तो इसके जिम्मेदार क्यों रहा है? यहाँ पर विधान और अभिषेक ने तो ऑनलाइन चैट स्टार्ट कर दिया है टाइम पास करने के लिए। चलो अब घर चलते हैं। तो आज हमारा वैक्सीनेशन का फर्स्ट डोज कंप्लीट हो गया है। हम सभी ने जो पेंडिंग थे घर में, उन सभी ने फर्स्ट डोज लगा लिया है। उसके अलावा मेरा एक मेरा जो बेटा है वो रह गया है, क्योंकि वो अंडर 18 है, और उसका भी जब होगा तो उसके स्लॉट पे हम लोग ज़रूर उसको वैक्सीनेट करवाएंगे। और आप सभी से अनुरोध करूँगी कि वैक्सीनेशन जितना जल्दी हो सके आप लोग सभी जल्द से जल्द करवा लें, क्योंकि हमारे घर में भी जैसे कोरोना पॉजिटिव है मेरी जेठानी जी, क्योंकि वो कोरोना पॉजिटिव हैं और उन्होंने दोनों डोज ले ली थी, तो वो रिकवर बहुत फास्ट हो रही है और इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं है उनके लिए कोरोना, बहुत ध्यान रख रहे हैं वो, और हम सब भी उस चीज़ का ध्यान रख रहे हैं। अब हम लोग घर पर आकर के वैक्सीनेशन के बाद नहा धो करके अपने अपने रूम्स में आ गए हैं। सब लोग थोड़ा सा आइसोलेशन मेंटेन कर रहे हैं, और आप सभी से अनुरोध करूँगी कि वैक्सीनेशन जल्द से जल्द करवाएँ और मेंटेन करेंगे सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाएं, सैनिटाइज रहें। अपने स्लोगन को दोहरा लेते हैं, आओ सब मिलकर जीते हैं जिंदगी लाइफ, क्योंकि जीवन बड़ा अनमोल है यारो। कीप वॉचिंग।